हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मणिपाल काउंसलिंग 2021 के राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में, एंड आपको राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मणिपाल कैंपस के बारे में ही, देन हम लोग सिक्किम एंड जयपुर कैंपस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग MIT मणिपाल कैंपस से। सभी ब्रांच का देखेंगे, राउंड 2 का कट ऑफ क्या रहा है एंड राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मणिपाल कैंपस से। तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो राउंड 2 का कट ऑफ 20,503 है एंड राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो 24,000 के आसपास रह सकता है। केमिकल का बात करें तो कट ऑफ राउंड 2 का है 35,078 एंड थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो 38,000। देन अगर सिविल की बात करें तो राउंड 2 का कट ऑफ जो रहा है वो रहा है 34,472। वही अगर राउंड 3 के कट ऑफ की बात करें तो 37,000 के आसपास रह सकता है। अगर बात करें कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के बारे में तो कुछ मेन ब्रांचेस हैं ये, जैसे कि अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मेन ब्रांचेस के बारे में देखना। तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन जो उसका राउंड 2 का कट ऑफ है 2,760 और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है राउंड 3 में। राउंड 3 का कट ऑफ इसका 2,800 के आसपास रह सकता है। कंप्यूटर साइंस का राउंड 2 का कट ऑफ 678 गया है एंड राउंड 3 का कट ऑफ उसका 800 के आसपास रहने के चांसेस हैं। देन कंप्यूटर साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो राउंड 2 का कट ऑफ उसका 871 गया है एंड राउंड 3 का कट ऑफ उसका 1000 के आसपास रह सकता है। वही बात करें अगर डेटा साइंस की तो राउंड 2 का कट ऑफ उसका 2551 गया है एंड राउंड 3 का कट ऑफ उसका 2800 के आसपास रह सकता है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो 1764 जो है वो राउंड 2 का कट ऑफ है एंड राउंड 3 का कट ऑफ उसका 1900 के आसपास रह सकता है। तो ये हमने मेन ब्रांचेस के बारे में बात किया। अब कुछ और ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते तो आपकी स्क्रीन के सामने सभी का राउंड 2 का कट ऑफ आ रहा होगा, उसके साथ साथ राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, एंड चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अगर राउंड 2 के कट ऑफ की बात करें तो 8,738 था एंड राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसका 9,000 के आसपास रह सकता है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो राउंड 2 का कट ऑफ 4,369 था, तो राउंड 3 का कट ऑफ उसका 4,500 के आसपास रह सकता है। कुछ और ब्रांचेस के भी कट ऑफ्स आपके स्क्रीन के सामने आ गए होंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन मीडिया टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इन सभी का राउंड 2 का कट ऑफ आपकी स्क्रीन के सामने आ गएगा, उसके साथ साथ राउंड 3 का क्या कट ऑफ रह सकता है वो भी आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट दो ब्रांचेस के बारे में, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स। तो राउंड 2 का कट ऑफ जो मैकेनिकल का रहा है वो है 17,056 एंड मैकेट्रॉनिक्स का रहा है 16,709। ये दोनों के राउंड 2 के कट ऑफ रहे। राउंड 3 का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो दोनों ही ब्रांचेस का राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो 17,500 के आसपास रह सकता है। अब मणिपाल कैंपस के बारे में हमने देख लिया, अब बात करते हैं हम लोग सिक्किम कैंपस के बारे में। तो सिक्किम कैंपस के मेन ब्रांच के बारे में ही बात करेंगे, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो राउंड 2 का उसका कट ऑफ सिक्किम कैंपस में रहा है 24,052 एंड अगर राउंड 3 के कट ऑफ की बात करें तो जिनका भी 29,000 के आसपास रैंक है उनको राउंड 3 में मिल सकता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं हम लोग जयपुर कैंपस के बारे में। तो जयपुर कैंपस के कुछ मेन ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो राउंड 2 का कट ऑफ इसका 9,000 के आसपास रहा है एंड राउंड 3 का इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 10,000 के आसपास रह सकता है। अगर आप बात करें IT और DS, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस के बारे में, तो इसमें ज़्यादा इंक्रीज आने के चांस बहुत कम है, मतलब बहुत कम ही इंक्रीज होगा। राउंड 2 का कट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 27,725 रहा एंड राउंड 3 का एक्सपेक्ट कट ऑफ 28,000 के आसपास रह सकता है। वही डेटा साइंस की बात करें तो 34,733 रहा राउंड 2 का कट ऑफ एंड राउंड 3 का इसका कट ऑफ 35,000 के आसपास रह सकता है। एक और ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं जो कि स्पेशलाइजेशन ब्रांच है CS का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ। तो राउंड 2 का कट ऑफ उसका रहा है 13,045 एंड उसका राउंड 3 का कट ऑफ जो है वो 14,000 to 15,000 के आसपास
रह सकता है। तो ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दिया राउंड थ्री का, तीनों ही कैंपसेस का, हर ब्रांच का, राउंड टू के कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद। तो अभी हम लोगों ने देखा कट ऑफ, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो गाइस, जिन जिन को सीट मिल गई है सेकेंड राउंड में, उनको क्या करना है, फी पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, तो 9th of August तक आप फी पे कर सकते हैं, दैट इज़ 1,65,000। एंड जो जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ था तब हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें सारे ऑप्शन समझा दिए थे कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से ऑप्शन चूज करने हैं, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो। एंड उसके बाद अगर थर्ड राउंड की बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन 11 अगस्त को चालू हो जाएगा, 16 अगस्त तक रहेगा, एंड उसका थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 18 अगस्त को आएगा। तो अगर कोई भी डाउट है आपको बीच में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो 11 तारीख से पहले, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम से पहले, हम लोग आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।